नमस्कार मित्रों, जगाजी महाराज तपोवन क्षेत्र में स्थित इपको वाला नेचुरोपैथी एवं योग केंद्र की ओर से मैं डॉक्टर रिपुदमन सिंह आपका स्वागत करता हूं। अपने हेल्थी रेसिपीज के सेगमेंट में अगली रेसिपी है अलसी के लड्डू। तो आइए हम पहले अलसी के फायदों को समझ लेते हैं। अलसी को फ्लैक्स सीड बोलते हैं इंग्लिश में, लिंसिड भी बोलते हैं। यह एक बीज होता है और ये जो बीज है ये बहुत सारे पौष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड की तुलना में 3 गुना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैं यहाँ पर जो भी तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ ये सब शोधों पर आधारित हैं, चूहों के ऊपर और कुछ ह्यूमन स्टडीज में इनको देखा गया है। फ्लैक्सीड में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी अल्सर एक्टिविटी होती है। आपके इंटेस्टाइन में स्टमक में अल्सर है उनको ठीक करते हैं। माइग्रेन के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। इवन जो स्किन डिसऑर्डर है जैसे कि सोरियासिस और किडनी के जो डिसऑर्डर्स हैं, यह प्लाक फॉर्मेशन को रोक के हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। हमारी ब्लड वेसल्स में प्लाक फॉर्मेशन नहीं होने देता है जिसकी वजह से आपके हार्ट में हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फ्लैक्सीड में पाया जाने वाला प्रोटीन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। इस कारण से हम ये फ्लैक्सीड हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में या कम रखने में हमारी मदद करता है। और फ्लैक्सीड में पाया जाने वाला प्रोटीन शोधों में देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको कम करके रखता है। दोनों ही स्टडीज में, चाहे वो दुबले लोगों के लिए किया गया हो या फैटी रेट्स पर किया गया हो, दोनों में ही देखा गया है ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ये कम करता है। और साथ साथ जो फ्लैक्सीड का प्रोटीन है अगर वो हमारे भोजन के साथ शरीर में जाता है तो भोजन में से फैट के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। फ्लैक्सीड में बाकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। जिस फॉर्म में विटामिन ई फ्लैक्सीड में होता है ये सबसे इजीली एब्जॉर्ब होने वाली फेस होती है उसकी। तो विटामिन ई अगर सही मात्रा में हमारे शरीर में रहता है तो ये हमें अल्जीमर्स डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है और भविष्य में आने वाली किडनी डिसऑर्डर से भी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इन सभी फायदेमंद गुणों के साथ साथ फ्लैक्सीड में कुछ नुकसान पहुंचाने वाले तत्व भी होते हैं, उन्हें भी जानना बहुत आवश्यक है। ये बहुत टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जैसे लिनामेरिन, लिनोस्टेनिन, कैडमियम। ये बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि फ्लैक्सीड में पाए जाते हैं। परंतु जब हम फ्लैक्सीड को मैकेनिकली और थर्मल प्रोसेसिंग करते हैं तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाते हैं। तो फ्लैक्सीड को जब भी हम उपयोग करें तो उसे अच्छे से रोस्ट कर लें या बॉईल कर लें, पका लें उसको, हीट ट्रीटमेंट उसको दें और उसको ग्राइंड कर लें, क्रश कर लें, तो उसके नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। साथ साथ इसमें फ्लैक्सीड में ईस्ट्रोजन, फाइटोइस्ट्रोजन भी पाया जाता है। तो फाइटोइस्ट्रोजन होने के कारण जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको फ्लैक्सीड नहीं देना चाहिए। तो इसके जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए फ्लैक्सीड की मात्रा दिन में 10 से 15 ग्राम ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो इसमें अच्छे गुण भी हैं, कुछ खराब गुण भी हैं। तो हमें उसका उपयोग इस प्रकार से करना है कि फ्लैक्सीड के सारे अच्छे गुणों का, उसके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, उसके अच्छे प्रोटीन का लाभ हमें मिले, उसकी विटामिन ई हमें मिले, लेकिन जो नुकसानकारक कंपाउंड्स हैं वो अनस्टेबल हो जाए, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इस प्रकार से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए इस रेसिपी में हम उसके लड्डू बना रहे हैं जिसमें कि हमने उसको अच्छे से रोस्ट किया हुआ है और उसको क्रश किया हुआ है, और जो लड्डू का साइज है वो इस तरीके से रखा गया है कि उसमें आपको 10 से 15 ग्राम ही अलसी आपके शरीर में जाएगी। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स को पहले समझ लेते हैं।
ये क्रस्ट किया हुआ ड्राई कोकोनट है, ये ग्राउंड नट है, इसके छिलकों को निकाल दिया गया है, रोस्ट किया गया है, फिर इसके छिलकों को निकाल दिया गया है। और ये अलसी है, फ्लैक्सीड, और ये जैगरी गुड़ है। इसकी कितनी कितनी मात्रा लेनी है वो आपको डिस्प्ले पर दिखाई पड़ रहा है। ये इलायची है, और ये गाय का शुद्ध देसी घी। अब हम क्या करेंगे, अलसी को थोड़े से घी के साथ रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें पाए जाने वाले नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड्स अनस्टेबल हो जाएं, और अच्छी तरीके से उसे पकाना है। और ये मूंगफली है जो पहले से ही रोस्ट करके रखी गई थी, जब तक कि अलसी हमारी ठंडी होती है तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मूंगफली के बीज अच्छे से ग्राइंड होने वाले हैं, और ये हमने अलसी को लिया अब, और अलसी को हमने ग्राइंडर में जार में डाल के अलसी को ग्राइंड कर लिया। इसके बाद हम एक तपेले में थोड़ा सा पानी लेंगे, और उसमें जो हमारे पास जैगरी जो गुड़ रखा हुआ था उसको डाल देंगे, और उसको धीरे धीरे पकने देंगे। धीरे धीरे पूरा जो गुड़ है वो पानी में घुल जाएगा, गुड़ की चाशनी एक तरीके से हमारे पास तैयार हो जाएगी। इसमें करीब 10-15 मिनट का समय जाएगा, इसको हम पकने देते हैं। और जब ये पकने लगे तब इसमें इलायची का पाउडर, ये हमने इलायची का पाउडर बना लिया था, इसको इसमें डाल देंगे। ये फ्लेवर के लिए है, अब इलायची का पाउडर भी इसमें अच्छे से मिल गया और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, अच्छे से ये पक भी चुकी है। चाशनी पूरी तरह से पक जाए तो फिर बाकी भी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक अलग बर्तन में मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने अलसी जो ग्राइंड की हुई है वो पहले अपने बर्तन में रखी, और थोड़ी कम लग रही थी तो अलग से मैंने पहले से क्रश करके रखी थी, वो अलसी को भी इसमें मिला रहा हूँ। और ये देखिए, ये मूंगफली का जो हमने क्रश किया था पाउडर वो है, और इसको भी हम इसी में मिला देंगे। तो ये हमने मूंगफली का पाउडर इसमें डाला, और ये नारियल क्रस्ट नारियल है, ड्राई क्रस्ट कोकोनट है, तो अभी इसको भी हमने इसमें मिलाया। और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दें, कहीं किसी के डेले जैसे नहीं रहें, पूरी तरह से होमोजीनस मिक्सचर तैयार हो जाए। फिर उसमें जो हमने गुड़ की चाशनी तैयार की थी उसको मिलाते हैं। गुड़ की चाशनी को धीरे से इस मिक्सचर में पोर करना है, बीच में थोड़ी जगह बनाकर, और इसके साथ ही जैसे चाशनी ये गरम गरम है तो इसके साथ ही हम घी को इसमें डाल देंगे, तो चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे, डस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। अब जब ये मिक्सचर तैयार हो जाए तो धीरे धीरे इसके लड्डू बनाते जाएंगे, छोटे साइज के। इस प्रत्येक लड्डू का वजन जो है वो 25 से 30 ग्राम के बीच का है, तो 25 से 30 ग्राम के साइज का अगर हम लड्डू बनाते हैं तो उसमें फ्लैक्स सीड की मात्रा करीब करीब 10 से 15 ग्राम की रहती है, बाकी मूंगफली और नारियल और गुड़ का वजन रहता है। तो ये देखिए, ये फ्लैक्स सीड के लड्डू आपके लिए तैयार हो गए, ये बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस लड्डू आपके लिए तैयार हो गए, और इनका सेवन आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही लड्डू का सेवन करें। तो मित्रों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये फ्लैक्स सीड के लड्डू बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, स्पेशली ओल्डर एज के लोगों के लिए, 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए, जब हार्ट डिसीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
और पेट की समस्याओं के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, और महिलाओं में मीनोपोजल एज में जो भी चेंजेस आते हैं उनको भी ओवरकम करने के लिए फ्लैक्स सीड के लड्डू की रेसिपी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इसका लाभ जरूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।